विक्रांत नागरानी बेला को ब्लैकमेल करेगा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। विक्रांत कहानी के आने वाले एपिसोड में नागरानी बेला को ब्लैकमेल करता हुआ नजर आएगा। किसी ने क्या खूब कहा है, अगर किसी शख्स की कमजोरी पकड़ में आ जाए तो उसका दुश्मन उस शख्स की कमजोरी का पूरा फायदा उठाता है, उसकी कमजोरी को मजबूरी बना देता है। ऐसा ही कुछ इन दिनों नागिन 3 की कहानी में आप सभी फैंस को देखने को मिल रहा होगा, जहां नाग विक्रांत बेला की कमजोरी का भरपूर फायदा उठा रहा है। विक्रांत अच्छी तरीके से वाकिफ है, नागरानी बेला अपने पति माहिर सहगल को जान से नहीं मार सकती। जहां विक्रांत ने अपनी सोची समझी साजिश के तहत बेला और माहिर को धोखे से तलाक के पेपर में साइन भी करवा लेता है। कहानी के आने वाले एपिसोड में नाग विक्रांत की बुराइयां और भी ज्यादा विकराल रूप लेने वाली है, जहां विक्रांत बेला के ऊपर शादी का दबाव डालेगा, लेकिन नागरानी बेला विक्रांत के शादी के प्रस्ताव को ठुकरा देगी और उसके मंसूबों पर पानी फेर देगी। गुस्से से तिलमिलाया विक्रांत नागरानी बेला से कहता हुआ नजर आएगा कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं माहिर की जान ले लूंगा, माहिर को जान से मार दूंगा, उसका जीना दुश्वार कर दूंगा। विक्रांत की इस बात को सुनकर नागरानी बेला डर जाएगी, सहम जाएगी और विक्रांत को झूठी तसल्ली देगी कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन नागरानी बेला तो बेला है, बेला अपने माया जाल में विक्रांत को ऐसे फंसाएगी कि विक्रांत चारों खाने चित हो जाएगा, क्योंकि बेला तो नागिनों की रानी है और इस नागिन के शकुनी चाल से कोई भी दुश्मन बच नहीं सकता। नागरानी बेला विक्रांत को मौत की नींद सुला देगी, क्योंकि बेला तो माहिर के लिए बनी है। बेला और माहिर का प्यार तो एक नई मिसाल कायम करने वाला है शो में। वेल, कहानी के आने वाले एपिसोड को आप देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं? प्लीज हमें अपने कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। हिंदुस्तान न्यूज के साथ हिंदुस्तान न्यूज की रिपोर्ट।